नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सागर जी जुड़ चुके हैं। सागर मीडिया के एडिटर इन चीफ हैं और आइए हम कुछ गहन विषयों पे सर जी से चर्चा करेंगे। जो देश का माहौल चल रहा है, जैसे अभी पूरा देश जो है चुनावी रंग में रंगने वाला है, तो सर जी 2024 का जो इलेक्शन है किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। जो जनता है वो सरकार से उसका हिसाब मांगती है और उस पर अपना फैसला देती है। जो हमारी जनता है देश की, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का अलग है, इंटेलेक्चुअल्स का अलग है, गरीब तबके का अलग है, ओबीसी का अलग है, सीएसटी, बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हर आदमी का अपना एंगल है। तो उसमें से आपको कितनी सीटें मिलती हैं, वो कह रहे हैं 400 के पार। मुझे लगता है कि अगर 250 भी मिल जाए या 256 भी हो जाए तो भी ये सरकार दोबारा अपने आप वापस आ सकती है। लेकिन मुझे ये संभव नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप अपना मेन मुद्दा छोड़ के अगर आप मंदिर की तरफ चले जाएंगे और जो काम आपको करने चाहिए, चाहे आपने कितनी भी डेवलपमेंट की हो, लेकिन जब आपका इशू फोकस मंदिर पे हो जाता है तब ये डर लगने लगता है कि ये मेजोरिटेरियन को खुश करने के लिए हो रहा है। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो चलता है और वो लोगों को बताता है कि ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो इतना अपने आप में परिपूर्ण है कि वो सरकार बदलने की कोशिश करता है। दूसरी बात ये है कि इससे ऑपोजिशन को यूनाइट होने का बल मिल गया है। जब ऑपोजिशन यूनाइट हो जाती है तो सरकार के लिए वो भी एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है। लेकिन इकट्ठी होने के बावजूद फिर बिखर गई है, इंडिया बना था, इंडिया के फिर टूटने लग पड़े। और जैसे जो है बिहार की राजनीति आप देखें तो इस तरह से नीतीश जी ने, देखिए जो माइक्रो, ये इसको हम कहेंगे माइक्रो क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 36 आपके प्रांत हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार को सब लोग जानते हैं कि वो पलटू मार है, वो कभी भी कोई पलटी मार लेता है तो उसके ऊपर लोग इतना विश्वास नहीं करते। हाँ, ममता हो गई तमिलनाडु में, जैसे स्टालिन हो गए, कर्नाटका है, केरला है, ये लोग जो है इनको एमपी बनाने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आप बनाते हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 256 से कम आए तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, तो क्या होगा, मिली जुली सरकार बनेगी। और अब टाइम जो है वो मिली जुली सरकार का है, उसमें हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ऑपोजिशन को हेड करें, तो इसमें वो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये सरकार बदलना, सरकार का आना, लेकिन जिस तरह का माहौल चलता है, राम मंदिर की स्थापना हो गई है, राम जी वहाँ स्थापित हो चुके हैं, लोगों में जोश है कि हर घर मोदी, हर हर मोदी, ये क्या लगता है आपको कि क्या ये सब, ये जितनी भी बातें हैं सिर्फ कहने की बात है कि भाई हम स्ट्रांग हैं। अरे आप स्ट्रांग थे, अब आपका इम्तिहान शुरू है, वहाँ पे जाइए इम्तिहान देइए, फिर उसके बाद जब आपके एमपी बने, फिर आपके जो पावर आपके पास आए, फिर आप दोबारा आप हिटलर बने, आप कुछ भी बने, राम राज्य स्थापित करें, वो उनके हाथ में, वो आपके ऊपर है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। कहीं ना कहीं जब से 2014 से मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, बहुत सी जो है परिवर्तन हुए हैं, समाज में भी, पार्लियामेंट में भी, देश में भी, तो एजुकेशन को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या बच्चों को 2014 से और बढ़िया एजुकेशन मिल पाई है? मोदी जी ने जो भी काम किए हैं उसको मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे हो, कोई भी काम उन्होंने किया है अच्छा, निपुणता से उसको देखा है, करवाया है, पैसा दिया है, उसके बारे में मुझे कोई उनकी मतलब कुछ भी नहीं कहना उनके अगेंस्ट। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी भी हम वर्ल्ड इंडेक्स में 142 और 141 नंबर पे। तो अगर आपके कहने के अनुसार अगर हम 100 में नंबर पे भी आ जाएं तो क्या एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी? नहीं होगी,
एजुकेशन बढ़िया करने के लिए उसके लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए, बढ़िया प्रोफेसर चाहिए उसके लिए। आपको जैसे एमएटी यूनिवर्सिटी है वो एक वोकेशनल टाइप की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कोई आदमी जाता है, बच्चा जाता है, उसकी कुछ वैल्यू है। इस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ बाहर की यहाँ पे आई हैं, लेकिन वो एकदम से ये तो है नहीं कि वो कोई खोल के पिला देंगे, कुछ चीज़ पिला देंगे। तो ये यूनिवर्सिटियों का आना, और देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, सिंगापुर पढ़ने जाते हैं, कनाडा पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई है उसमें वोकेशनल स्टडी, उसमें आदमी को तैयार किया जाता है कि वो अपने आगे कुछ कर सके। ये नहीं है कि आप यहाँ पे नौकरी मांगो, आप जाके किसी के साथ कि भाई मुझे काम दे दो, कोई रिसेप्शन की नौकरी दे दो, ये सब नहीं होता है वहाँ पे। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, वो आपको चाहे बाल काटना सिखाएंगे, लेकिन वो बताते हैं कि आपका सलूट कैसा होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर बना। हाँ, पूरा मोदी जी भी तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पॉलिसी से मतलब नहीं होता, एजुकेशन जो है वो हमें आत्मनिर्भर कैसे बनाए, आदमी को अपने ऊपर कैसे उठाए। आप बहुत अच्छी बात है आगाह कर रहे हैं आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को और पॉलिटिशियन को, देश को। लेकिन जब हम 100वां साल बनाएंगे आज़ादी का, तो 25 साल बाद कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? क्या पूरी तरह से एजुकेटेड हो पाएगा, विकसित हो पाएगा देश? 1.4 बिलियन लोगों का, और इस पे बहुत सारे लोग बाहर पढ़ के यहाँ भी आते हैं। तो जब दूसरों का फ्यूजन होता है, जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, उसे एजुकेशन मिलती है, उसे हमें बल मिलता है। 5 मिलियन से 8 मिलियन बच्चा जो है बाहर पढ़ने जाता है, वो बाहर से आता है नहीं आता, लेकिन उनकी समझ एक ऐसी हो जाती है, वो जो समझ तो है। क्या वो लोग मिलके जो है उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं पिछले 75 सालों से? सर, हमने जो 60 में ये हिंदुस्तान देखा था और आज हम 2030 में जो देख रहे हैं, इसमें बहुत तरक्की हो गई। तो तरक्की मानते हैं आप? तरक्की हो ही है। आप मेट्रो में जाइए, आप सड़कों पे घूमिए, जो सफाई इन्होंने रखी है, जो डिजिटल प्रोग्राम ये दे रहे हैं, तो सर देश तो तरक्की कर रहा है। लेकिन आपको तीसरे स्थान पे पहुंचना है, परेशानी वहाँ आ जाती तो है। 100 साल बाद पहुंच जाएंगे जिस तरह से मोदी जी लगे हुए अपने विजन और मिशन को लेके? देखिए सर, अब उनकी क्या पॉलिसी होती है, वो कैसे उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है, एनालाइज तो आप कर सकते हैं, एनालाइज करके ही आप कह भी रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बेहतर प्रधानमंत्री है, क्योंकि ये हर चीज को एक प्रैक्टिकल दृष्टि से देखते हैं और उसको काम भी करते हैं। डेवलपमेंट हो रही है, हाँ, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और देश ऐसा लगता है कि हम कुछ अग्रसर हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू दोस्तों, फिर नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक यू सर।